पानीपत के जहां मासूम बच्चों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। गायब हो रहे बच्चों के परिजन आला अधिकारियों के दरवाजे पर लगातार बच्चों को ढूंढने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिले हैं। पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के काम की कोशिश जो है लगातार आश्वासन के जरिए की जा रही है। पानीपत में मासूम बच्चों के गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। माँ बाप रो रो कर जिंदगी काटने को मजबूर हैं। लगातार आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके घर के चिराग उनके घरों तक नहीं पहुँचे हैं। सर, मैं इन जितने भी बच्चे पानीपत से गायब हैं आसपास कॉलोनी में से, इनकी जांच ना CBI द्वारा हो चाहता हूँ। इसकी CBI द्वारा जांच हो, जब इसका कुछ पता लग सकता, नहीं तो छोटी मोटी क्राइम में तो वो ये जांच एजेंसी कर चुकी है, इनसे कुछ नहीं निकल पाया। पानीपत के अंदर 2016 से लेकर 2020 तक छोटे छोटे नाबालिग बच्चे कहां जा रहे हैं, कौन लेकर जा रहा है, आज तक कुछ पता नहीं। पानीपत की एकता कॉलोनी से साल 2016 से 6 बच्चे गायब हुए, जबकि अगर पूरे पानीपत की बात की जाए तो ये आंकड़ा सैकड़ों का है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कर पाए हैं वो हमारे बच्चे के लिए, उनका बच्चा जाकर जब उनको बीतेगी ना, उन पे जब बीतेगी उनको चलेगा, बच्चा हमारा गया इसलिए हमारे बीत रही है, हम पे क्या बीतती है, माँ बाप पे क्या बीतती है, उनको पता चलेगा ना। बच्चे कैसे पैदा करते, कैसे बड़े करते हैं बच्चों को, कैसे जाते हैं घर से, उनके तो जाते हैं दिन रात तड़प रहे हैं, कहती ऐसे रोती हैं बुरतरियों। वही प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी इस मामले में क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, जो आपका एक कष्ट निवारण समिति की बैठक है उसमें जो ये क्वेश्चन उठा हुआ था, उस पर भी फुल एक्शन लेंगे और वो भी देखेंगे इसको, उसके सहयोग और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने कहा है मुख्यमंत्री सचिन चौटाला जी, इस पर भी फुल एक्शन लेंगे और लिया भी होगा और उसको ठीक करने का काम। वही DSP सतीश वत्स ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि टीमें प्रयासरत हैं। देखिए, अभियान तो कोई स्पेशल तो अभी चलाया नहीं है, लेकिन ये रेगुलर रहता है। CWC इसके लिए है हमारा, हमने एक मिसिंग चिल्ड्रन का एक स्क्वाड अलग से बनाया हुआ है, CWC है, और NGOs भी हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके साथ मीटिंग भी करते रहते हैं, तो उसमें भी हम लगातार प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसी अब कॉलोनी वासी बच्चों को घर से बाहर भेजने से भी डरने लगे हैं। फिलहाल ऐसे में जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द इन बच्चों को ढूंढे और इनके परिजनों के हवाले करे। खबरें अभी तक के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।